बहुत कुछ है खेलने के लिए। सांप सीढ़ी वगैरह नहीं, ना 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 ना। कुछ नया खेल सोचे। कौन सा नया खेल? माँ ने मोती चूर के लड्डू बनाए अभी, तो सोचा सबके लिए लेके चली आऊं। दोस्तों, मैंने छुपा दी अपनी मनपसंद गेंद। हाँ, चलो ढूंढो। चुटकी, ठंडा, चक्कू, उफ, बर्फीला। मिल गई, 5 पॉइंट मेरे। मैंने छुपा दी अपनी पतंग, अब ढूंढ कर दिखाओ। जैसे महक रहा हो, पक्षी जैसे चहक रहा हो, चिप 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 चिप। पेड़ हो, हाथी हो या हो पैसा, विचित्र शक्ति बना सकता है बिल्कुल असली जैसा। क्या आप हमारी मदद कर सकते हो? ये देखो हमारी कलाकारी। तुम कलाकार नहीं, बेकार। आवाज नहीं, आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। अब तुम जाकर देखो रास्ता साफ है क्या? जाओ जाओ देखो। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। कालिया उस्ताद? कालिया उस्ताद? तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो, हम कालिया के साथ निकले? यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल, यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए आपका। चित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम, शान
योजना थी, अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। मेरा हाथ पकड़ो। तुम्हारी इस कहानी को डुबो देते हैं। हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। मुझे आशीर्वाद निकालो। चलो अब इसे सूखने के लिए लटका देते हैं। कितने मीठे आम है ना। जरा राजू को तो देखो। क्या हुआ, तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम भी आम जैसे दिख रहे हो राजू। हाँ बिल्कुल सही कहा भीम। भीम, हमें बाकी बचे आम गांव वालों के लिए लेके जाने चाहिए। हाँ चुटकी, इतने सारे आम खाकर गांव में सब लोग खुश हो जाएंगे। एक थैला ढूंढते हैं। तुम वहाँ देखो राजू। ये देखो। जग्गू तुम भी ना। चलो बाहर आओ। ये देखो मुझे क्या मिला। क्या है? बोरी? ये काफी बड़ी है राजू, इसमें सारे आम आसानी से आ जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये लीजिए। लीजिए काका। क्या बात है भीम, लगता है तुम तो जंगल के सारे आम तोड़ कर ले आए हो। सारे आम तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्या मतलब? तुम ज्यादा मत सोचो कालिया, तुम बस आम खाओ। गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? कालिया, और आम चाहिए तो कहना, हमारे पास बहुत आम है। उस्ताद, भीम बहुत अच्छा है। वो तो पूरे गांव में सबको आम बांट रहा है। दाल में कुछ तो काला है, ये लोग इतने सारे आम लाए कहाँ से? पता करना पड़ेगा। चलो देखो बच्चों, आज एक भी लड्डू नहीं मिलेगा क्योंकि सारे लड्डू गिन के बनाए हैं। मौसी, आज हम कुछ लेने नहीं बल्कि देने आए हैं। कुछ देने? हाँ माँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा घी चाहिए। ले लो।
मौसी घी के 3 डिब्बे। क्या बात है भीम, इससे तो मैं और लड्डू बना पाऊंगी। ये लो बच्चों तुम्हारे लिए। अब समझ में आया सारा खेल, अब हमें ये जादुई बोरी चुरानी पड़ेगी। ये बोरी हम चुराएंगे कैसे उस्ताद? ये तुम मुझ पर छोड़ दो। डालिए चाचा, ये लीजिए। शुक्रिया भीम, अब एक चश्मा टूट भी जाए तो भी मेरे पास और 2 होंगे। अब सुनो। मेरा पैर, मुझे चोट लग गई। क्या हुआ कालिया, अभी तक तो तुम ठीक थे। मुझे पहुँच आ गई। पैर। क्या हुआ कालिया, पैर ठीक हो गया क्या? हाँ, अब अच्छा लग रहा है, शुक्रिया भीम। लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चलो अब मैं चलता हूँ। मैंने बोरी यहीं पर रखी थी। तो फिर यही होगी, चलो ढूंढते हैं। अब मेरी बारी है। कालिया संभल के। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो, मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। शॉट था चुटकी। कैसा आइडिया उस्ताद? अब मैं जो करूँगा उससे ढोलकपुर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा, और मैं भीम को भी सबक सिखाऊंगा। खूब तैयारी चल रही है, अभी रंग में भंग डालता हूँ। मक्खियाँ मेरी प्यारी प्यारी, खाना करो खराब बारी बारी। मेरी मिठाई है। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। तुमने कमाल कर दिया। इतनी सारी मक्खियाँ। तुम यहाँ क्या करने आए हो? जो करना था वो कर भी दिया। क्या? मैंने ढोलकपुर का सारा खाना खराब कर दिया। अब दिवाली पर सब भूखे रहेंगे। उपा क्या? मैं अंदर जा रही हूँ,
मुझे मेरे लड्डुओं की रक्षा करनी है। ये तुमने ठीक नहीं किया। ठीक तो मैं अब करूँगा मक्खियों। ओपा मेरी प्यारी मक्खियों, और इन बच्चों को सबक सिखाओ। मक्खी जूस, अब मुझे हरा कर दिखाओ। देखा मेरा कमाल। भीम, वो देखो कालिया। तुम लोग कालिया के पास जाओ और बोरी लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें संभालता हूँ। अरे ये कैसे हुआ? अच्छा, बोरी गायब तो नकली कालिया भी गायब। ये क्या, मेरा तो दर्द भी गायब हो गया। अच्छा होता अगर तुम भी गायब हो जाते। आइडिया है।